Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my new Java lecture. Majidshahab from vezlearning channel. And आज के lecture के जो contents हैं वो होंगे कुछ operators के बारे में जो Java में use होते हैं. उनकी different categories हैं like arithmetic हैं, assignment हो गए, comparison and logical. So ये operators हैं जो आज हम लोग discuss करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपना अपना सॉफ्टवेयर और उस पर करते हैं प्रोग्रामिंग इन सारे ऑपरेटर्स की. आज जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूँगा वो होगा नेटबीन, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं जो अपना कोड है वो नेटबीन पे कर दूँ. तो आज से हम लोग नेटबीन ओपन कर लेते हैं. मैंने इंस्टॉल कर लिया है. आपको नेटबीन डाउनलोड करना होगा फ्रॉम इंटरनेट, फ्री अवेलेबल है. डाउनलोडिंग सिंपल है, आप इसको इंस्टॉल कर लें और फिर इसको हम लोग ओपन करते हैं. नेटबीन IDE है बेसिकली, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस, टूल्स, बिल्ड ऑप्शंस, सब कुछ एक ही जगह पे आपको जावा से रिलेटेड मिल जाएगा. यानी जावा का कंपाइलर भी मिल जाएगा और इसका इंटरप्रेटर भी मिल जाएगा. आप यहाँ पे कोड भी कर सकते हैं, कोड को डीबग, कंपाइल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं. तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करेगा. तो ये जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस किस्म का एनवायरनमेंट आपके सामने आ जाएगा. ये इसका स्टार्ट पेज है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ प्लगइन्स वगैरह या इसके फीचर्स, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ एंड जैसे वर्ड्स न्यू है डिस्कवर करना चाहें कुछ आप. एंड यहाँ पे लिखा हुआ है शो ऑन स्टार्टअप. तो आप ये वाला स्क्रीन स्टार्टअप पे देखना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे तो आप इसको अनचेक या चेक कर सकते हैं. इसके अलावा दिस वन इज़ कॉल्ड स्टार्ट पेज. आप यहाँ से इसको क्रॉस भी कर सकते हैं. तो ये आपके ऊपर, इसके में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वैसे इसमें आपके कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी आएगी जो जो भी आप लोग डेवलप करना शुरू करते जाएंगे. यहाँ पे एक आउटपुट विंडो है. अगर आपको याद हो हम लोग जो अपना प्रोग्राम रन करते थे जावा का, तो ये वो विंडो है जहाँ पे आपको आउटपुट नज़र आएगा. तो यहाँ पे प्रोग्राम रन करना बहुत ईजी है, आसान है. जस्ट वी नीड दिस बटन, डेट इज़ डिबग और प्ले. तो आप इसको अपने प्रोजेक्ट को रन करना चाहें तो यहाँ से सिंपली रन करेंगे. आप इस बटन को क्लिक करेंगे, ये आपके लिए कंपाइल भी कर देगा एंड रन भी कर देगा. अभी हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं. ये जो लेफ्ट साइड पे एरिया, यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है. यानी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी वो यहाँ पे आपका नेटबीन जो है वो आपको डिस्प्ले करता जाएगा. तो हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं. इसमें कैसे करना है, फाइल पर जाना है. यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट, इसको आप क्लिक कर लें. सो यहाँ पर काफ़ी कैटेगरीज आ गई हैं कि आप जावा का प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना चाह रहे हैं. आपने यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी है. यहाँ पे बहुत सी कैटेगरीज हैं, लाइक जावा विद मैवन है, ग्रेडल है, विद ANT है एंड सो ऑन. तो यहाँ पे जो हमने यूज़ करना है वो ये वाला ऑप्शन है, जावा विद ANT. ठीक है, ये बेसिकली एक ऑप्शन है ANT जो कि यूज़ होता है जावा का जो बिल्ड प्रोसेस है वो जो आपका प्रोग्राम बनता है उसको फाइनल फॉर्म में लाने के लिए कुछ टूल्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व हैं. वो यूज़ जो भी जावा यूज़ करता है वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं. तो आपको हेल्प करेगा आपके प्रोसेस को ऑटोमेट करने में. तो इसको आपने सेलेक्ट करना है. इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक जावा FX हो गया, जावा वेब हो गया, इंटरप्राइज हो गया, काफ़ी ऑप्शंस हैं. हमारा जो ऑप्शन अभी रिलेटेड है वो इससे है, जावा एप्लीकेशन, क्योंकि हम लोग इसके जावा की सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन बना रहे हैं. अभी हम लोग कुछ लाइब्रेरीज नहीं बना रहे, ना ही हम लोग अभी कोई वेब्स की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम सिंपल जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. सो हमारा ये ऑप्शन होगा. सो जावा विद ANT एंड जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट कर लेते हैं. यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि ओके गिव द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट. आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम होगा. सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जावा के ऑपरेटर्स. यहाँ पे ऑप्शंस हैं, प्रोजेक्ट लोकेशन, प्रोजेक्ट फोल्ड. लोकेशन बेसिकली क्या है कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है जो भी जो आप बना रहे हैं वो कहाँ रखना चाहते हैं, किस लोकेशन पे, सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, डी ड्राइव में. तो कोई भी लोकेशन आप लोग डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन कॉल्ड ब्राउज. मैं यहाँ पर डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ. प्रोजेक्ट फोल्डर का मतलब ये है कि आप जिस लोकेशन को आपने बताया है लाइक डी ड्राइव और ई ड्राइव, उसमें आपका जो प्रोजेक्ट करेंटली है वो किस नाम से सेव हो रहा है. देखें मैंने जो नाम ऊपर दिया था वही नाम नीचे भी आ रहा है. तो आप इसको समझें एक फोल्डर और इसको समझें एक पूरा ड्राइव. तो आप इस एक लोकेशन के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स जो हैं वो सेव कर सकते हैं. इसके अलावा हमें अभी लाइब्रेरीज की ज़रूरत नहीं है, सो इस ऑप्शन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट मेन क्लास. तो जावा में अगर आपको याद हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था, क्लास के अंदर एक मेथड लिखा हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ पे नेटबीन को कह सकते हैं कि आपके लिए वो कर दे.
आप इसको अनचेक कर देंगे तो सारा आपको खुद लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसको चेक कर दिया तो वो आपके लिए बहुत सा कोड खुद ही लिख कर ले आएगा। सो मैं पहले इसको चेक ही रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसे करता है। इसको मैं फिनिश करने लगा हूँ तो अब ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाने में टाइम ले रहा है, सारी फाइल्स फोल्डर सेट कर रहा है। लेफ्ट साइड पे आपको काफ़ी कुछ नज़र आने लगेगा। जावा ऑपरेटर्स इज अवर मेन प्रोजेक्ट नेम, इसके अंदर इसकी सोर्स पैकेजेस और जावा का ऑपरेटर्स से रिलेटेड हमारा जो पैकेज इन्फॉर्मेशन और हमारी जो फाइल्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये बेसिकली आपको अभी जो आपने नाम दिया था उसकी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कि कौन कौन सी फाइल्स है। हमारी एक फ़ाइल है जिससे अभी हमारा काम है, वो है डॉट जावा। यहाँ पे हमारा सारा कोड इस फाइल में होगा और आप नोटिस करें ये फाइल ओपन भी है, जावा ऑपरेटर्स डॉट जावा। तो ये वो सारा कोड है जो इसने यहाँ पे आपके लिए किया है। हमारे लिए जो अभी इम्पोर्टेंट है वो है ये वाला जो हम लिखते थे, क्लास, क्लास का नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड सो ऑन। बाकी ये सब कुछ जो है ये जावा के ऑप्शनल ऑप्शन एरिया हैं, ऑप्शनल। इसको आप, ये बेसिकली कमेंट्स हैं, आप इसको हटा भी सकते हैं। लाइक सेलेक्ट करके मैं इसको हटा रहा हूँ। पैकेज क्या है? बेसिकली पैकेज जो है इसमें नेटबीन जो है वो पैकेज वाइज चल रहा होता है। इसका मतलब ये है कि आपके आप पैकेज को समझें एक बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर बहुत सा कोड है। तो अभी आपके पैकेज का नाम वही है जो भी हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम दिया था, जावा ऑपरेटर्स, और उसके अंदर अभी फ़िलहाल एक क्लास बन रही है। इसके अलावा हम लोग और क्लासेस भी बना सकते हैं जो इसी पैकेज के अंदर ही होंगी। तो आप पैकेज को समझें कि एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सा कोड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस पड़ा होगा। सो इसके बाद ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए ऑप्शनल है, इसको भी हम हटा देते हैं। इसके अलावा जावा क्लास ऑपरेटर्स, सॉरी पब्लिक क्लास ऑफ जावा ऑपरेटर्स, ये हमारी क्लास का नेम हो जाएगा और इसको भी हम हटा देते हैं। जो भी ऑप्शनल चीज़ें हैं वो सब मैं हटा रहा हूँ, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये आप क्लिक कर लें तो आपका सारा मेन मेथड जो है वो श्रिंक हो गया, क्लोज हो गया, और आप इसको क्लिक करें तो दोबारा से एक्सपेंड हो जाएगा। ये जो एडिटर है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइन नंबर्स आ रहे हैं कोड में, जितनी भी लाइंस का कोड आप लिखते जाएंगे वो सब आएगा आपके सामने। कुछ हाईलाइट किया जा रहा है, जैसे ये पैरेंथेसिस, सॉरी कर्ली ब्रैकेट आपने स्टार्ट की तो यहाँ पे उसको ख़त्म किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसको मैंने क्लिक किया तो वो यहाँ पे क्लोजिंग बता रहा है, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। इसके अलावा आपको कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं लाइक ब्लू, ब्लैक एंड सो ऑन, तो जो भी रिजर्व वर्ड्स हो गए वो आपके लिए एक खास कलर में यहाँ पे शो किए जाएंगे, जैसे यहाँ पे अभी ब्लू कलर्स में आ रहे हैं। एंड इसके अलावा क्लास का नेम आपको नज़र आ रहा है, लाइक ये है आपके पास जावा ऑपरेटर क्लास है, एंड थोड़ा सा डार्क ब्लैक नज़र आ रहे हैं। मेन मेथड भी आपको थोड़ा सा डार्क ब्लैक नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल मैं अभी जो करने वाला हूँ एक सिंपल सा प्रोग्राम है वो ये है कि हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं और कैसे इसको रन करते हैं। सो ये हमारा मेन मेथड है। ओके, सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये फॉन्ट्स का जो साइज़ है वो आपके लिए सेटिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा होता है जब आप लोग इसको इनिशियली करते हैं। तो हम जाते हैं टूल्स पे एंड वी हैव दिस थिंग कॉल्ड ऑप्शंस ऑफ नेटबीन्स, एंड यहाँ पे आपके पास इस जगह पे लिखा हुआ है फॉन्ट्स एंड कलर्स। सो इधर मैं आ चुका हूँ, क्लिक कर दें आप लोग भी, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट। अभी आप कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं सो इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दें, एंड यहाँ से आप लोग फॉन्ट का स्टाइल हो गया या इसका साइज़ हो गया वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी 18 कर देता हूँ या 24 देख लेते हैं, एंड इसको ओके कर लेते हैं। एंड नाउ आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया हमसे, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। आई थिंक 18 इज़ बेटर। ओके ओके जी, सो अब हम लोग इसको चेक करते हैं, रन करते हैं और अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हेलो वर्ल्ड। ओके जी, सो अभी आप एक देख रहे हैं हाईलाइटिंग रेड कलर की। बेसिकली नेटबीन में एक बहुत फ़ायदा है और वो ये है कि ये आपको साथ साथ हेल्प करेगा कि कहाँ पे एरर आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि इसने रेड अंडरलाइन की हुई है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, और जैसे ही मैं कर्सर इसके ऊपर लाता हूँ ये मुझे कह रहा है कि सेमी कॉलन इज एक्सपेक्टेड। एंड आप इसके ऊपर भी ले आएँ तो यहाँ पर भी बता रहा है, यानी हमने पूरी लाइन तो लिख ली लेकिन सेमी कॉलन अभी तक हमने नहीं लिखा हुआ, तो ये एक तरह का एरर कंसिडर कर रहा है और आपको गाइड कर रहा है। सो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन पुट कर दूंगा तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो एरर जो था वो जा चुका है। तो अभी आपने अपना प्रोग्राम जो है वो लिख लिया है,
एंड इस प्रोग्राम को हम लोग करते थे जावा सी के थ्रू कंपाइल एंड हम फिर इसको करते थे रन। लेकिन अब चूँकि हमारा नेट बीन है तो नेट बीन में हमें ऑप्शन अवेलेबल है कि हम इसको डायरेक्टली कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। कैसे करना है, आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ रहा है रन प्रोजेक्ट, इसकी शॉर्टकट भी अवेलेबल है F6। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ इस आउटपुट विंडो में आपको ये आउटपुट जो है वो नज़र आएगा। सो हम क्लिक करते हैं, अगर सब कुछ ठीक हुआ और एरर्स ना हुए तो आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, जो कि यहाँ पे हमने लिखा था और यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अ बिल्ड सक्सेसफुल टोटल टाइम एंड सो ऑन, यानी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है एंड इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं फील हुई। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ, वो ये है कि नेटबीन में एक और फ़ायदा है, वो ये है कि बजाय इसके कि आप पूरा लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो भी हम लिख रहे थे, आप सिंपली लिख सकते हैं एस आउट और आप प्रेस कर दें टैप की, तो आपके लिए ये पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो है वो लिख देगा। सो हमने कैसे लिखा है इसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं। पहले हम खुद लिखते थे लेकिन नेटबीन में आपको ऑप्शन अवेलेबल है कि आप सिंपली लिखें एस आउट और टैप की जो होती है उसको प्रेस कर दें, तो आपके लिए जो पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है वो लिख दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और एक और भी ऑप्शन इसमें अच्छा होता है, वो ये कि जैसे आपने लिखा सिस्टम, तो आप देखें मैंने यहाँ पे एस वाई लिखा है और मेरे लिए हेल्प अवेलेबल हो गई है कि एस वाई से रिलेटेड आपके पास जावा में क्या कुछ अवेलेबल हो सकता है। तो ये जो अभी मैं लेके आया हूँ इसके लिए जो शॉर्टकट थी वो थी कंट्रोल प्लस स्पेस की, मैं आप लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस स्पेस, इस की के थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगी जो भी आप लोग लिख रहे हैं। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम चूँकि बार बार लिखते हैं तो उस केस में आपको लिखना पड़ता है एस आउट और उसके साथ आपने प्रेस करना होगा टैप की, सो उससे आपका पूरा जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है वो लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए एक हैंडी शॉर्टकट हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए सॉफ्टवेयर। बस आपके लिए जो पहले नोट पैड था वो कुछ ये है, इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं जो वक्त के साथ साथ हम लोग देखते रहेंगे। फिलहाल हमारा फोकस है प्रोग्रामिंग पे, हमारा लेक्चर था ऑपरेटर्स पे, तो हम उसको अभी ट्राई करते हैं। ओके सो इस सारे को मैं कट कर देता हूँ और नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और ये लेक्चर होगा रिलेटेड टू ऑपरेटर्स। सो हमारी जो पहली कैटेगरी, अब ऑपरेटर्स डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट कंपैरिजन लॉजिकल एंड सो ऑन। तो मैं पहली कैटेगरी स्टार्ट कर रहा हूँ अर्थमेटिक, जिसमें प्लस माइनस स्टेरिक डिवाइड मॉडुलस एंड सो ऑन ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ऑपरेटर्स पर जो कोड है वो हम लोग करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। सो करते हैं हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम और वो ये है कि हम लोग ले लेते हैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए, एक ले लेते हैं बी सेमी कॉलन और ए को असाइन में कर देता हूँ वैल्यू 10, बी को मैं असाइन कर देता हूँ वैल्यू 20 और हम इसके ऊपर ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं। लिखते हैं एस आउट टैप एंड हम पहले करना चाहेंगे, सो टू वैल्यूज़ मैंने असाइन की हैं और अब मैं यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन दोनों को कर देता हूँ ऐड। सो ऐड के लिए जो हम लोग ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो होता है प्लस साइन। सो अभी मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो है 30। सो हमारी एडिशन जो है वो परफॉर्म हो रही है। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है इसमें वो है माइनस हो गया, उसके बाद स्टेरिक है, उसके बाद पुट्स हैं। सो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस आउट और इस बार जो मैं करूँगा वो होगा ए माइनस बी। सो हम लोग रन करते हैं और इसको देखते हैं कि यहाँ पे हम कर देते हैं लेट सपोज 20, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग लेट सपोज 10 या 2 कर लेते हैं। सो 20 माइनस 2 वी विल गेट 18। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 जो है वो आ रहा है। इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए जो साइन यूज़ होता है वो होता है दिस वन, शिफ्ट और 8 आपने प्रेस करना है तो आपको ये साइन मिल जाएगा। सो 20 × 2 वी हैव 40। सो डिवीजन के लिए जो साइन होता है वो होता है हमारे पास ए स्लैश बी, फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं इसको, ये हमारे लिए डिवीजन का साइन है। सो 20 को हम लोग अभी देखते हैं 2 और 20 डिवाइड करने के बाद हमें आंसर आ रहा है 10। सो 2 टेंस 20। सो ये है हमारे पास
डिवीजन के लिए। अब एक और साइन होता है हमारे पास, को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस या मॉड कहते हैं इसको। तो ये क्या करता है, बेसिकली रिमाइंडर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। सो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस आउट, और उसका जो साइन है वो कुछ इस किस्म का है। ये साइन हमारे पास मॉडुलस का, मॉडुलस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। सो अभी हम इसको प्ले करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे मॉडुलस आ रहा है ज़ीरो। ये किस तरह आ रहा है, अगर आप नोटिस करें ए में कौन सी वैल्यू है 20, और हम उसको किस पे कर रहे हैं मॉड बी पर यानी 2 पर, तो क्या ये फुली डिवाइड हो रहा है? अगर आप चेक करें तो 2 टेंस 20 फुली डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर जो बच जाता है हमारे पास वो इस केस में बचता है ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट सपोज 3, तो इस केस में 20 फुली डिवाइड नहीं हो रहा 3 के ऊपर, तो ये आप सबसे लास्ट वाला आंसर जो देखेंगे वो रिमाइंडर जो है वो आपके पास थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो ये अगर फुली डिवाइड हो तो तब तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो उस केस में आपके पास रिमाइंडर में जो भी आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो अभी अगर आप नोटिस करें तो 3, 6 और 18 तक हम जा रहे हैं, और रिमाइंडर में जो हमारे पास बच रहा है वो है 2, तो इसलिए हमारे पास आंसर आ रहा है 2। सो रिमाइंडर ये है, मॉडुलस फाइंड करता है। आप मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू आप लोग रिमाइंडर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो मैंने दोबारा यहाँ पे 2 लिखा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फुली जो है वो डिवाइड हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है प्लस प्लस एंड माइनस, इसको हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं। सो हम इसको भी देख लेते हैं। अभी आप नोटिस कर रहे हैं आप में आपके पास एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ इंट सी, और इसको वैल्यू दे देता हूँ 1, ठीक हो गया। और अभी मैं सी के साथ जो लगा रहा हूँ वो है ये साइन प्लस प्लस। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्लस प्लस, सिंपल सा ऑपरेटर है ये, आपके लिए 1 इंक्रीमेंट करता है जो भी वैल्यू अभी सी में पड़ी हुई है डेट इज़ 1, उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देगा। डेट इज़ 1 प्लस 1 यू विल गेट 1 प्लस 1 यू विल गेट 2। सो अभी प्लस प्लस का मतलब ये है कि सी में जो भी वैल्यू उसके साथ एक और ऐड कर दो और उसको सी में ही सेव कर दो। सो हम इसको करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम, और इस केस में हमने प्रिंट करना है सी को। सो अब ज़ीरो के पास जो आंसर आएगा वो देखेंगे। सो वी आर गेटिंग 2। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट सपोज 2, सो 2 प्लस 1 वी विल गेट 3, क्योंकि 2 है सी में और उसमें प्लस प्लस होगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3। सो आखिर में आप देखेंगे आंसर आ रहा है 3। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसी तरह अगर आप लोग डिक्रीमेंट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर दूँ तो वो 1 डिक्रीमेंट कर देगा, यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा वी विल गेट 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 जो है वो आ रहा है। तो ये हमारे कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑपरेटर्स थे। नेक्स्ट जो आ रही है कैटेगरी वो है असाइनमेंट, तो हम उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या है। ओके जी, सो अब हम देखते हैं असाइनमेंट वाले ऑपरेटर। सबसे पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर आता है वो जो असाइनमेंट्स में ऑपरेटर आ रहा है वो है इक्वल साइन। अब ये क्या है बेसिकली, इसको देख लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 30, और ये 30 जो है मैं किसी वेरिएबल में पुट करना चाहता हूँ। 30 किस टाइप का है हमारे पास, इंटीजर टाइप का, तो मुझे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना होगा। सो मैंने वेरिएबल ले लिया। अब इस मैं चाहता हूँ इस वेरिएबल में मैं ये 30 वैल्यू पुट कर दूँ, तो उसके लिए मैं जो साइन यूज़ करता हूँ वो होता है इक्वल साइन, जिसको हम एक्चुअली पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी इसका मतलब है कि 30 जो है वो जेड में असाइन हो रहा है। तो अब जेड वाले बॉक्स में 30 जो है वो पड़ा हुआ है, और आप उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे जेड को, तो यू विल गेट 30। तो आप देख सकते हैं लास्ट में 30 आ रहा है। तो ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। साथ में इसके एक और ऑपरेटर है प्लस इक्वल। सो ये क्या करता है देख लेते हैं। अभी क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 30 में, सॉरी जेड में 30, तो मैं कहता हूँ जेड प्लस इक्वल 2। अब इसका क्या मतलब होगा वो देख लेते हैं। पहली बात, प्लस इक्वल एक ऑपरेटर है आपके पास, ठीक हो गया। करता क्या है, राइट साइड पे जो भी वैल्यू है डेट इज 2, वो जेड में ऐड कर देगा। जेड में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 30, तो 30 प्लस 2 वी विल गेट 32, और वो किसको असाइन हो जाएगा जेड को। तो अभी आप अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करेंगे तो आपको 32 मिलेगा लास्ट में। तो आप देख सकते हैं लास्ट में हमारे पास 32 आ रहा है। तो इसको प्लस इक्वल कहते हैं, कंबाइन ऑपरेटर भी कहते हैं। ये आपके लिए जेड में जो भी वैल्यू उसमें 2 ऐड करेगा और उस जेड को ही असाइन कर देगा, डेट इज़ बेसिकली प्लस इक्वल ऑपरेटर।
इसी तरह आप लोग माइनस इक्वल भी कर सकते हैं, जो कि इसी चीज़ को माइनस कर देगा। तो जेड माइनस इक्वल, लेट सपोज हम कर देते हैं अभी इसमें 3। सो अभी आप देखेंगे, सो मैं इसको रन करता हूँ और अभी हमारे पास आंसर आ रहा है 29। वाई? बिकॉज हमने क्या ऐड कर दिया था जेड में, 2। तो 30 प्लस 2 32, और अब हमने इस 32 में 3 माइनस करने की कोशिश की है और उस जेड को ही असाइन कर रहे हैं, सो वी विल गेट 29। ठीक है, 32 माइनस 3 वी विल गेट 29। इसके अलावा हमारे पास आता है फिर मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल एंड मॉडुलस इक्वल, ये भी वही चीज़ें। सो मैं एक आपको बता देता हूँ, फिलहाल जेड में हमारे पास 29 है, तो हमारा जो नेक्स्ट आर है वो क्या है, मल्टीप्लाई इक्वल। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जेड मल्टीप्लाई इक्वल कर दो 2, यानी 29 इंटू 2 क्या बन जाएगा हमारे पास, वो अभी हमें ये बता देगा। सो जेड में था 29 एंड 29 इंटू 2 जो भी बनता है हमारे पास वो असाइन हो जाएगा जेड में। सो हम इसको प्ले करते हैं और वो बनता है बेसिकली 58 29 इंटू 2 बन रहा है हमारे पास 58। सो ये मल्टीप्लाई इक्वल का हमारे पास साइन था। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइड, सो डिवाइड इक्वल, तो मैं इसी को कर लेता हूँ जेड आपको हम लोग कर लेते हैं डिवाइड इक्वल टू 2, यानी 58 को हम डिवाइड कर देंगे 2 पर। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन बन जाएगा हमारे पास जो भी है 55 डिवाइड बाई 2, हमारे पास आंसर आ रहा है 29। इसको हम लोग देख लेते हैं, डिवाइडेड बाई वेयर इज द डिवाइड साइन, ये डिवाइड बाई 2 और इक्वल, सो हमारे पास आंसर आ रहा है 29। सो इसका मतलब है डिवाइड कर दो जेड में जो भी वैल्यू है 2 पर, और उसके इसको असाइन कर दो सेट को ही असाइन कर दो। इसी तरह हमारे पास फिर मॉड का भी आ जाता है, तो हम मॉड भी देख लेते हैं, जेड मॉड इक्वल लेट सपोज 2, तो जो भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन होगा वो मॉड पे बेस पे होगा, मॉड उसका लिया जाएगा, तो आखिर में आ रहा है मॉड 1। सो 29 डिवाइड बाई 2 बेसिकली हो जाएगा, तो वो आपको रिमाइंडर जो मिलेगा वो होगा 1, यानी 29 मॉड 2। सो इसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपके जेड को मिल जाएगा, इस केस में वो आ रहा है 1। नेक्स्ट है हमारे पास ये तो थे असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट जो कैटेगरी आ रही है वो है हमारे पास कंपैरिजन, कंपैरिजन को भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी कंपैरिजन ऑपरेटर्स, देखते हैं ये क्या है। इसमें जो पहला ऑपरेटर आ रहा है ये है डबल इक्वल साइन, इसको बेसिकली पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, लेट सपोज आपके पास कोई वैल्यू है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लेट सपोज आपके पास एक वेरिएबल है एंड जी, और उसमें आपने वैल्यू पुट की हुई है एक 1 लेट सपोज, और सेकेंड वेरिएबल आपके पास एच, और उसमें वैल्यू आपने पुट की हुई है लेट सपोज 2। तो डबल इक्वल साइन जो है वो सिर्फ ये करता है कि क्या जी में पड़ी हुई वैल्यू डैट इज 1 एच में पड़ी हुई वैल्यू डैट इज 2 के इक्वल है या नहीं। सो ये बेसिकली एक तरह का कंपैरिजन है, ये सिर्फ चेक कर रहा है कि क्या इसके लेफ्ट साइड पर जो अवेलेबल है उसमें जो वैल्यू है या वो जो वैल्यू है क्या वो राइट साइड पर वैल्यू के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगी तो आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज आंसर आएगा आपको फॉल्स। सो अभी मैंने यहाँ पे कर दिया है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और हम देखते हैं कि जी जो है क्या वो इक्वल टू एच वेरिएबल है ना। अगर आप नोटिस करें जी वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है डेट इज 1, एच वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो है 2। सो 1 इज इक्वल टू 2 है, क्या ये बात ठीक लग रही है हमें, क्या 1 इक्वल टू 2 है? आंसर आएगा नो, और जो नो है वो एक्चुअली में कंप्यूटर में कहलाएगा फॉल्स। और अगर आंसर आता है ओके, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में आंसर हो जाएगा ट्रू। सो मैं इसको प्ले करता हूँ और आप देखें कि क्या आंसर आता है लास्ट में। सो यहाँ पे आंसर जो आ रहा है अभी वो आ रहा है फॉल्स, क्योंकि जी में पड़ी वैल्यू 1 इट्स नॉट इक्वल टू वैल्यू इन साइड एच। अगर मैं इनको इक्वल कर देता हूँ, लेट सपोज मैंने दोनों को इक्वल कर दिए, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, तो जी इक्वल टू एच है, तो आंसर आएगा
ट्रू. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ रहा है ट्रू. सो दिस वन इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर. नेक्स्ट है, इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल. सो हम देख लेते हैं इसको भी करके. इन्हीं दो वेरिएबल्स में मैं आपको बता देता हूँ, क्या जी में पड़ी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एच है. क्या आपको ये बात ठीक लग रही है? जी में पड़ी वैल्यू है टू, क्या टू इज नॉट इक्वल टू टू है? तो अभी तो दोनों चूँकि सेम है इसलिए अभी तो ये वाली चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओल्ड वैल्यू, डेट इज़ वन इज़ नॉट इक्वल टू टू. क्या ये बात ठीक है? वन इज़ नॉट इक्वल टू टू है, इसको हम बोलेंगे नॉट इक्वल. सो जी में पड़ी वैल्यू डेट इज़ वन इज नॉट इक्वल टू टू है. और आप देख सकते हैं कि ये बात तो ठीक है, तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आंसर आएगा हमें ट्रू, क्योंकि जी में पड़ी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एच और ये बात ठीक है, वन इज़ नॉट इक्वल टू टू. सो इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल. नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है ग्रेटर, और उसके साथ आ रहा है लेस. इन दोनों को भी देख लेते हैं. क्या जी में पड़ी हुई वैल्यू इज लेस देन एच में पड़ी वैल्यू की है? क्या जी में पड़ी हुई वैल्यू लेस है एच से? जी में आप देख सकते हैं वन है और एच में है टू, तो वन इज लेस देन टू है. यस, वन इज लेस देन टू. तो हमें लास्ट में इसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा ट्रू. तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो है ट्रू. इसके इसका जो आंसर आ रहा है वो है ट्रू, क्योंकि जी इज लेस देन एच है. इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, क्या जी में पड़ी वैल्यू ग्रेटर है एच से? तो आप देख सकते हैं वन इज नॉट ग्रेटर देन टू. तो अभी इसके बाद आपको आंसर आएगा फॉल्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ रहा है फॉल्स. वाई? बिकॉज वन इज नॉट ग्रेटर देन टू. तो ये हैं हमारे ग्रेटर लेस देन एंड ग्रेटर देन के जो ऑपरेटर्स हैं. दिस वन इज कॉल्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू, और दिस वन इज कॉल्ड लेस देन और इक्वल टू. इनको देख लेते हैं. सो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं एस आउट स्टैप. क्या जी में पड़ी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच में पड़ी वैल्यू के है? आप देख सकते हैं जी में है वन और एच में है टू, तो क्या वन इज ग्रेटर देन टू है? नो. क्या वन इक्वल टू टू है? नो. तो इस केस में जो अभी आंसर आएगा वो होगा फॉल्स. तो मैं प्ले करता हूँ इसको, और आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो है फॉल्स. वाई? बिकॉज दिस वन इज नॉट ग्रेटर देन एंड नॉट इक्वल टू टू. सो इसके बाद जो है वो है, क्या जी में पड़ी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एच है? तो आप देख सकते हैं जी की वैल्यू जो है वो वन है. वन इज लेस देन टू, यस. वन इक्वल टू टू, नो. लेकिन एटलीस्ट वन तो ठीक हो रहा है इसमें, बिकॉज वन इज लेस देन टू. सो यहाँ पे भी आंसर आपको मिल जाएगा ट्रू. तो आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है ट्रू. सो दिस वन इज कॉल्ड लेस देन और इक्वल टू, दिस वन इज कॉल्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू. दीज आर योर कंपेरिजन बेस ऑपरेटर्स. तो ये आप बड़ा यूज़ कर सकते हैं आगे अपनी प्रोग्रामिंग में, जब आप लेंथ वगैरह फाइंड करना चाहें, या किसी एक स्ट्रिंग को दूसरे के साथ आप टैली करें और आप देखना चाहते हैं कि क्या वो इक्वल आ रहे हैं या नॉट इक्वल आ रहे हैं, एंड सो ऑन. सो दीज आर योर कंपैरिजन ऑपरेटर्स. नेक्स्ट कैटेगरी जो आ रही है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स. नाउ लॉजिक बेसिकली इसमें हम लोग कुछ कंडीशन दे देंगे और उसकी बेस पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो ठीक है या गलत है. सो लॉजिक बेसिकली आपके पास थिंकिंग हो सकती है, कोई चीज़ जो आप चेक करना चाह रहे हैं. वी हैव दिस थिंग कॉल्ड और एंड ऑपरेटर, दिस वन इज कॉल्ड और ऑपरेटर, एंड दिस वन इज नॉट ऑपरेटर. तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं. ओके जी, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए जो अभी आ रहे हैं वो हैं कुछ, देख लेते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक वेरिएबल int t equal to 10 and int y equal to 20. और अब मैं लगाता हूँ दिस ऑपरेटर कॉल्ड एंड ऑपरेटर. नाउ पहले तो देखते हैं एंड ऑपरेटर करता क्या है. एंड ऑपरेटर सिंपल सा ऑपरेटर है, वो कहता है कि मैं चेक करूँगा कि क्या आप जितनी भी कंडीशंस मुझे दे रहे हो, आप एक से ज़्यादा कंडीशंस बाय द वे इसके थ्रू दे सकते हैं, आप इसको चेक कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं इसको भी चेक करो, और अगर जो कंडीशन आप लगाओगे उनका दोनों का आंसर अगर ट्रू आता है, दोनों का आंसर अगर ट्रू आता है तो आपको फाइनल मिलेगा ट्रू. मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि ये क्या है. मैं अब लिखता हूँ एस आउट, और अब देखते हैं क्या टी में पड़ी वैल्यू लेस देन 20 है. क्या ये बात ठीक है? टी में जो वैल्यू है वो कौन सी है? 10. क्या 10 इज लेस देन 20 है? इसका तो आंसर आ रहा है ट्रू. अब मैं लगाता हूँ एंड, और साथ में इसको भी चेक करो क्या वाई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 10 से.
तो अगर आप चेक करें वाई में, पहले जो वैल्यू मैंने वाई में पुट की हुई है वो है 20। क्या 20 ग्रेटर देन 10 है? इसका आंसर है येस। तो इसका आंसर भी येस आ रहा है, यानी ट्रू आ रहा है, इसका आंसर भी ट्रू आ रहा है, तो आपको फाइनली जो आंसर आएगा वो होगा ट्रू। तो हम इसको प्ले करते हैं और आप देख सकते हैं कि फाइनल आंसर जो आ रहा है वो है ट्रू। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन गलत हो गई तो फिर उस केस में आपको आंसर आएगा फॉल्स। तो मैं इसको कर देता हूँ, क्या टी में पड़ी वैल्यू ग्रेटर देन 20 है? सो 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 20। तो इस स्टेटमेंट का आंसर जो आ रहा है वो फॉल्स है। हालांकि ये स्टेटमेंट ठीक है, बट इसमें से जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी लॉजिक्स आपने पुट की हैं, किसी एक का आंसर भी फॉल्स आ गया तो आपको आंसर आएगा फॉल्स। तो अभी आप देख लें, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये आंसर आएगा फॉल्स। सो आंसर आ गया फॉल्स। ये है आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसी के साथ एक और भी है, उसको हम बोलते हैं और। वो क्या करता है? आप कह रहे हो कि टी में जो वैल्यू है वो लेस देन लेट सपोज 15 है, जो कि ठीक है, और का ये साइन है। और ये भी साथ में चेक करो कि वाई की जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन लेट सपोज 30 है। तो अभी आप नोटिस करें टी में जो वैल्यू है वो है 10। 10 इज लेस देन 15, यस ट्रू। लेकिन y में जो पड़ी वैल्यू है 20, क्या वो ग्रेटर देन 30 है? नो। तो इसमें से एक का आंसर आ रहा है ट्रू, एक का आंसर आ रहा है फॉल्स। तो और ऑपरेटर क्या करता है? वो कहता है जितनी भी कंडीशंस आप मुझे देते हैं, जितनी भी लॉजिक्स प्रोवाइड करते हैं, किसी एक का आंसर ट्रू आ गया तो मैं आपको रिजल्ट ट्रू दूंगा। तो भी अगर आप नोटिस करें हमारी मल्टीपल कंडीशंस से एक का आंसर ट्रू आ रहा है, तो अगर मैंने प्ले कर दिया तो यू विल गेट ट्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आ रहा है, दिस वन इज कॉल्ड लॉजिकल और। अगर सबका आंसर आपने यहाँ पे सारों का आंसर फॉल्स आ गया तो फिर उस केस में आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या टी में पड़ी वैल्यू लेस देन 5 है? 10 इज लेस देन 5, नो। 20 इज ग्रेटर देन 30, नो। तो दोनों चूंकि फॉल्स हो गई तो आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। आंसर आ रहा है फॉल्स, दिस वन इज कॉल्ड लॉजिकल और। लास्ट में रह गया है एक, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल नॉट। तो वो देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमें बताओ क्या टी में जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है लेट सपोज 5 से, यस। और लेट सपोज हमें बताओ वाई में जो वैल्यू है क्या वो लेस है लेट सपोज 30 से। तो अगर आप नोटिस करें टी में जो वैल्यू पड़ी है डेट इज 10, क्या वो ग्रेटर है 5 से? ट्रू। वाई में जो पड़ी वैल्यू 20, क्या वो लेस है 30 से? दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों का चूंकि आंसर ट्रू ट्रू आ रहा है, वी विल गेट ट्रू। वाई? बिकॉज एंड ऑपरेटर हमें प्रोवाइड करता है फाइनल ट्रू अगर सारी कंडीशंस के आंसर आ रहे हैं ट्रू। लेकिन अब मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी चीज़ से पहले एक और ऑपरेटर लगा देता हूँ। आप देखें लॉजिकल नॉट, दिस वन, ये जो ऑपरेटर मैंने लगा दिया इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ये क्या करता है? आपके ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। यानी यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, अभी आ रहा था ट्रू, तो वो जब नॉट ऑपरेटर को मिलेगा तो आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो आपके ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। ये एरर हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि प्रिंट एलन चूंकि एक फंक्शन है, तो हमने इसको पैरेंथेसिस के अंदर बंद करना होगा लाइक दिस। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो पूरा है इसका जो भी आंसर आएगा, इन दिस केस वी विल गेट ट्रू, तो वो मिलेगा लॉजिकल नॉट को और नॉट ट्रू को फॉल्स में कर देगा, तो फाइनली वी विल गेट फॉल्स। सो फाइनली वी आर गेटिंग फॉल्स, दिस वन इज कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो ये थे आपके ऑपरेटर्स। इसके अलावा भी जावा में कुछ और ऑपरेटर्स हैं लेकिन उनका यूजेज ज़्यादा नहीं है, ये वाले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए हमने इस पर एक लेक्चर देख लिया है। या कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।